गुड इवनिंग गाइस, दोस्तों डॉग्स की इस ब्यूटीफुल दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ब्यूटीफुल एंड क्यूट सी डॉग ब्रीड के बारे में, जिसे हम लोग टॉय डॉग ब्रीड भी कहते हैं, जो है शिह त्सु। दोस्तों इस ब्रीड के लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं, क्योंकि छोटे से क्यूट से डॉग होते हैं और इन्हें इंडोर रहना ज्यादा पसंद होता है। वैसे दोस्तों, अगर आप लोग अपने बच्चों के लिए एक बेस्ट गिफ्ट ढूंढ रहे हो तो आप लोग उन्हें शिह त्सु गिफ्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर ये पपीज उनको काफी पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो शिह त्सु पपीज हैं, ये एक्सीलेंट क्वालिटी में और प्रॉपर मार्किंग में है। वैसे पपीज काफी एक्टिव हैं एंड गाइस, इनमें सिर्फ आप लोगों को ये दो फीमेल ही मिल पाएंगी, मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। वैसे फ्रेंड्स, स्मॉल साइज के चाहे कोई भी डॉग ब्रीड हो, उनके फूड के ऊपर आप लोगों को ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बट शिह त्सु को आप लोगों को थोड़ा बहुत टाइम देना होगा इनके कोट को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इनके कोट को ग्रूम नहीं करोगे, इसे क्लीन नहीं करोगे, तो ये काफी डर्टी एंड रफ हो सकता है। वैसे डॉग्स के कोट को लेकर मैं एक काफी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, जो कि काफी जल्दी मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करने वाला हूँ, और वो वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर आप लोग एक डॉग रखते हैं तो। वैसे दोस्तों, शिह त्सु को ज्यादा वॉक एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत नहीं होती, एक नॉर्मल सी वॉक इनके लिए सफिशियंट होती है और ये इतने एनर्जेटिक भी नहीं होते। वैसे शिह त्सु की काफी प्यारी सी आदत होती है और वो ये है कि आप लोगों के साथ डोर टू डोर घूमते रहते हैं, और जब भी आप लोगों के पीछे पीछे आते हैं तो भाई काफी क्यूट लगते हैं। वैसे अगर आप लोग कहीं ट्रिप वगैरह पे जा रहे हैं तो आप लोग शिह त्सु को अपने साथ ले जा सकते हैं। ये एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो आप लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं करेगी। और हाँ दोस्तों, मैं तो आप लोगों को हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग शिह त्सु को परचेज कर रहे हैं तो आप लोगों को फीमेल ही परचेज करनी चाहिए, क्योंकि भाई उनका एक लीटर आप लोगों को लाखों रुपए का प्रॉफिट करवा सकते हैं। हालांकि शिह त्सु का लीटर इतना बड़ा नहीं होता, बट भाई प्राइस इनका काफी एक्सपेंसिव होता है। वैसे फ्रेंड्स, ये जो शिह त्सु पपीज हैं, ये 50 डेज की हो चुकी हैं और उन्होंने इनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा दी है, तो साथ में आप लोगों को इनका कार्ड वगैरह भी मिल जाएगा। तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी आप लोगों को इसके कार्ड पर मेंशन मिलेगी। और हाँ भाई, इन पपीज के मदर फादर की फोटो वीडियोस आप लोग डॉग ओनर से पर्सनली डिस्कस करके ले सकते हैं, वो आप लोगों को व्हाट्सएप पर इनके पेरेंट्स की फोटो वीडियोस सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इनकी एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, तो इनकी जो लोकेशन है वो है सोनीपत, हरियाणा से। वैसे अगर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी के बारे में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा, तो मुझे नहीं पता कि वो आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे या फिर नहीं। बट मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली ओनर के पास जाकर इनके पेरेंट्स को भी लाइव देखकर ही आप लोग पपीज को परचेज करें। बट वैसे पपीज की क्वालिटी में आप लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो जैसा कि दो फीमेल्स ही अवेलेबल हैं, तो उन्हें जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 20,000 पीस, यानी 20,000 रुपए। बट गाइस, ये जो प्राइस है ये सिंगल पपी का है और उन्होंने इस प्राइस को फिक्स रखा है, इसमें आप लोगों को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें। तो जल्दी मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।